दो बर्बर हत्याकांड में बड़ी सजा पा चुके दिल्ली के सीरियल किलर चंद्रकांत झा के एक और जुर्म का आज हिसाब होना है। मंगलवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हत्या के एक केस में चंद्रकांत को फांसी की सजा का ऐलान किया। चंद्रकांत को फांसी की सजा पुष्पेंद्र नाम के शख्स की हत्या के केस में सुनाई गई है, जबकि सोमवार को दिलीप नाम के शख्स की हत्या के केस में उसे उम्र कैद हुई थी। सिलसिलेवार हत्याकांड के एक और अहम केस में आज फैसला आना है। ये मामला अनिल नाम के शख्स की हत्या से जुड़ा है। दरअसल 27 जून 2003 से 18 मई 2007 के बीच दिल्ली में सिरकटी लाशें बरामद हुई थी। चार सिरकटी लाशें बोरे में बंद करके तिहाड़ जेल के सामने फेंकी हुई मिली थी। दो लाशों के पास टूटी फूटी हिंदी में लिखी हुई चिट्ठी भी पुलिस को मिली थी, जिसमें चंद्रकांत खुद को पकड़ने की चुनौती पुलिस को देता था। 21 मई 2007 को चंद्रकांत झा को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में बंद है। अदालत ने चंद्रकांत के जुर्म को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। चंद्रकांत पर कुल 7 लोगों की हत्या करने के आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से दोषी 3 में ही साबित हो पाया है चंद्रकांत।